दोस्तों 1943 में अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट अब्राहम मैस्लो ने हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी पर्पस की थी। उनके हिसाब से जो इंसान इस थ्योरी के हिसाब से जिंदगी गुजारता है वो खुश और मोटिवेटेड रहता है। और आज इस वीडियो में हम स्कॉट जी हेल्फर्ड की बुक एक्टिवेट योर ब्रेन और अब्राहम मैस्लो की थ्योरी हायरार्की ऑफ नीड्स से समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे इंसान खुश रह सकता है और इंसान की ऐसी कौन सी जरूरतें हैं जब तक कि वो पूरी ना कर ले वो खुश नहीं रह सकता। हमारे दिमाग को साइकोलॉजिस्ट तीन भागों में बांटते हैं, रेप्टिलियन ब्रेन, मैमेलियन ब्रेन एंड ह्यूमन ब्रेन। खुश रहने के लिए आपको इन तीनों भागों को सेटिस्फाई करना होगा। सबसे पहले आता है रेप्टिलियन ब्रेन, जो कि एक रेप्टाइल के दिमाग की तरह होता है। एक छिपकली सिर्फ अपने खाने के बारे में, जिंदा रहने के बारे में और बच्चे पैदा करने के बारे में सोचती है। ठीक उसी तरह हमारे दिमाग का जो सबसे नीचे का लेयर है वो खाने के बारे में और सुरक्षित रहने के बारे में सोचता है। दिमाग के इस हिस्से में सिर्फ वो बातें होती हैं जो हमारे जिंदा रहने के लिए जरूरी होती हैं। इसके बाद आता है मैमेलियन ब्रेन, जहाँ पर हमारे इमोशंस बसते हैं। दिमाग के इसी भाग की वजह से एक माँ अपने बच्चे से बहुत प्यार करती है और इसी हिस्से की वजह से हम हंस पाते हैं और रो पाते हैं। इंसानों में यह हिस्सा सबसे ज्यादा विकसित होता है, यानी कि इंसान के अंदर इमोशन सबसे ज्यादा होते हैं। आप मेंढक को कभी भी हंसते हुए नहीं देखोगे। इसके बाद आता है सबसे ऊपर का भाग, ह्यूमन ब्रेन। दिमाग का ये वो हिस्सा है जो सोचने के लिए, समझने के लिए और अच्छे फैसले लेने के लिए जिम्मेदार होता है। इसी हिस्से की वजह से हमारे माइंड में नए आइडियाज आते हैं। तो अब आप दिमाग के इन तीनों हिस्सों को समझ चुके हैं। आपको खुश रहने के लिए इन तीनों को सेटिस्फाई करना होगा। इसके लिए हमें मैस्लोज़ हायरार्की ऑफ नीड्स को समझना होगा। ये थ्योरी साइकोलॉजिस्ट अब्राहम मैस्लो ने 1943 में प्रपोज की थी। इसे मैस्लोज़ ट्रायंगल ऑफ ह्यूमन नीड्स भी कहा जाता है। मैस्लोज़ के मुताबिक जब इंसान इस ट्रायंगल के हिसाब से अपनी जरूरतें पूरी करता है तो वो खुश और मोटिवेटेड रहता है। इस ट्रायंगल की 5 स्टेजेस हैं। आपको सबसे नीचे से शुरू करके सबसे ऊपर तक जाना होगा। नीचे की जरूरतों को पूरा किए बगैर अगर आप ऊपर की जरूरतों को पूरा करने की कोशिश करोगे तो आप दुखी रहोगे। एक छोटा बच्चा छोटे से ही बड़ा होता है। पहाड़ की चोटी पर जो आदमी चढ़ा है वो वहां पर आसमान से नहीं टपका था, उसने भी नीचे से ही शुरुआत की थी। ठीक उसी तरह खुशियों के लिए भी आपको नीचे से शुरू करना होगा। आइए इसे हम समझने की कोशिश करते हैं। इसकी सबसे पहली स्टेज है फिजियोलॉजिकल नीड्स, जिसका मतलब है हमारे शरीर की जरूरतें, जैसे हवा, खाना, पानी, नींद, ये सब आपके रेप्टिलियन ब्रेन की कुछ ज़रूरतें हैं। जब तक आपकी ये फिजियोलॉजिकल ज़रूरतें पूरी नहीं होती हैं तब तक आप सुकून से नहीं रह सकते और आप अगली स्टेज पर नहीं जा सकते। जब इंसान की ये ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं, जब उसका शरीर सेटिस्फाइड हो जाता है, तब उसके सामने अगली नीड आ जाती है और वो है सेफ्टी नीड, यानी कि सुरक्षा। इंसान का रेप्टिलियन ब्रेन जिंदा रहने के लिए सब कुछ करेगा और जिंदा वो तब रहेगा जब वो सुरक्षित रहेगा। तो इसमें आपका घर भी आ गया, ताकि आप खुद को सुरक्षित रख सको। इसके साथ ही आ जाती है इनकम की सेफ्टी, आपके पास इनकम का ऐसा सोर्स हो जिससे आपको हमेशा इनकम आती रहे, आप खुद को इतना आजाद कर सको कि हालात चाहे जैसे भी रहें, चाहे धंधा मंदा चले या नौकरी हाथ से चली जाए, आप सुरक्षित रह सको। जब ये दो जरूरतें पूरी हो जाती हैं तो इससे हमारा रेप्टिलियन ब्रेन सेटिस्फाइड हो जाता है। ये दोनों नीड्स हमारी बेसिक नीड्स होती हैं। इसके बाद इंसान के सामने आ जाती है उसकी अगली जरूरतें। इसके बाद आपको अपने मैमेलियन ब्रेन को सेटिस्फाई करना होगा और इसकी नीड है इमोशंस, यानी रिश्ते। तो ट्रायंगल की अगली स्टेज आती है बिलोंगिंगनेस एंड लव नीड्स। तो मान लो कि आपकी बेसिक नीड्स पूरी हो गई हैं, यानी आपके पास रोटी, कपड़ा, मकान तो है, लेकिन आपके पास फैमिली नहीं है, कुछ अच्छे दोस्त नहीं है जिनके साथ आप कुछ बातें कर सको, तब भी आप खुश नहीं रह सकते। खुश रहने के लिए आपके पास एक परिवार होना चाहिए, कुछ अच्छे दोस्त होने चाहिए जिनके साथ आप कुछ बातें कर सकें, एक लाइफ पार्टनर होना चाहिए जो आपसे प्यार करे, जिससे आप प्यार करो। अब मान लो कि ये ट्रायंगल आप फॉलो नहीं करते हो, यानी कि आपकी बेसिक नीड्स ही पूरी नहीं हुई है, लेकिन आप प्यार में पड़ गए, यानी आपके खाने और रहने के वादे हैं, आपके पास रेगुलर इनकम का सोर्स नहीं है, लेकिन आप प्यार में पड़ जाते हो, तो आप अपनी और अपने पार्टनर की जरूरतों को पूरा नहीं कर पाओगे और इससे हो जाएगी प्रॉब्लम। इसलिए मैस्लोज कहते हैं कि ये ट्रायंगल नीचे से ऊपर फॉलो करने वाले खुश और मोटिवेटेड रहते हैं, लेकिन सब लोग ऑर्डर फॉलो नहीं करते और फिर दुखी हो जाते हैं। तो जब आपकी फिजियोलॉजिकल नीड्स, सेफ्टी नीड्स और बिलोंगिंग एंड लव नीड भी पूरी हो जाती है, तब आपको लगने लगता है कि कुछ अच्छा करना है, कुछ अलग करना है, तब आपके सामने आ जाती है अगली जरूरत और वो है एस्टीम नीड्स। लेकिन ज्यादातर लोग इस स्टेज तक आ ही नहीं पाते क्योंकि उनकी बेसिक नीड्स ही पूरी नहीं हो पाती। अगर आप गौर से देखोगे तो थर्ड और फोर्थ नीड्स हमारी साइकोलॉजिकल नीड्स हैं। ये दोनों स्टेजेस हमारे मैमेलियन ब्रेन की नीड्स हैं। तो फोर्थ स्टेप पे इंसान ऐसा कुछ काम करना चाहता है जिससे उसे खुशी मिले, जिसे करने में उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़े, जिससे प्राउड की फीलिंग पैदा हो। इस तरह के इमोशंस इंसान को आगे बढ़ने के लिए उकसाते हैं। लेकिन अगर कोई इंसान ऐसा है जिसे शो ऑफ करने की आदत है तो वो इस स्टेज तक कभी नहीं आ सकता। वो थर्ड स्टेज के बाद शो ऑफ करने लग जाता है, वो दूसरों को दिखाने के लिए ऐसी चीजें खरीदने लग जाता है जिसकी उसे जरूरत नहीं होती, और जब कोई परेशानी आती है तो उसे वो चीजें बेचना पड़ती हैं जिनकी उसे जरूरत होती है, और वो दुखी ही रहता है क्योंकि उसने दिखावे की चीजें खरीदने के लिए लोन भी तो लिया हुआ होता है।
लेकिन जब एक समझदार इंसान की ये चारों जरूरतें पूरी हो जाती हैं, तो वो आ जाता है लास्ट स्टेज पर, और वो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। और ये हमारे ह्यूमन ब्रेन की जरूरत होती है, इसे सेल्फ फुलफिलमेंट नीड भी कहते हैं। अगर कोई इंसान क्रिएटिव है तो वो इस स्टेज पर आकर और ज़्यादा क्रिएटिव हो जाता है, क्योंकि उसे किसी चीज़ की टेंशन नहीं होती है, कोई प्रेशर नहीं होता है, उसकी बॉडी सेटिस्फाइड है, उसके पास सेफ्टी है, उसके पास उसे प्यार करने वाले लोग हैं, परिवार है, दोस्त हैं, वो सेटिस्फाइड है। इस स्टेज पर इंसान चाहता है कि वो अपनी पूरी काबिलियत को बाहर निकाल कर कुछ ऐसा कर सके जो अपने आप में यूनिक हो। ह्यूमन ब्रेन तब खुश होता है जब कोई नई खोज कर लेता है, जब वो खाने, जिंदा रहने और अपने हर रोज़ के काम करने के अलावा कुछ और करके दिखाता है, जब वो दूसरों को आगे लाने की कोशिश करता है। अगर किसी इंसान में दूसरों की मदद करने का जज्बा ही नहीं है तो वो कभी भी इस स्टेज पर नहीं आ सकता। आप देख लीजिए, दुनिया के सबसे सफल और अमीर लोग एक स्टेज पर जाने के बाद कोई भी काम पैसे के लिए, सम्मान के लिए या किसी मटेरियल जरूरतों के लिए नहीं करते। वो कोई भी काम करते हैं तो उनकी काबिलियत को बाहर निकाल कर दुनिया को बेहतर बनाने के लिए, और वो ऐसा इसलिए कर पाते हैं क्योंकि वो पहले की चार स्टेज को हासिल कर चुके होते हैं। इस स्टेज पर बहुत कम लोग आ पाते हैं क्योंकि ज्यादातर लोगों की बेसिक जरूरतें ही पूरी नहीं हो पाती, और जिनकी बेसिक जरूरतें पूरी हो जाती हैं उनमें से बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिन्हें शो ऑफ करने की आदत नहीं होती। तो ये है मेज़लोस हायरार्की ऑफ नीड्स। इसकी मदद से आप अपने दिमाग के अलग अलग हिस्सों को खुश रख सकते हो। जब तक आप अपने दिमाग के नीचे के हिस्सों की जरूरतें पूरी नहीं करोगे, तब तक ऊपर की जरूरतों को पूरा करने से कुछ नहीं होगा, बल्कि और निराशा ही हाथ लगेगी। फिल्मों में जब लड़की का बाप हीरो से पूछता है कि बता तू मेरी बेटी को कैसे खुश रखेगा, तेरे पास घर नहीं है, पहनने को कपड़े नहीं है, क्या देगा इसे, इस पर हीरो बोलता है मैं उसे प्यार दूंगा। जिस पर लड़की का बाप कहता है कि प्यार से पेट नहीं भरता। यहाँ यह समझना जरूरी है कि लड़की का बाप सही है। जब तक आप अपने रेप्टेलियन ब्रेन को सेटिस्फाई नहीं करोगे तो आपका मैमिलियन ब्रेन सेटिस्फाई नहीं होगा, और आपका मैमिलियन ब्रेन सेटिस्फाई नहीं होगा तो आप अपने ह्यूमन ब्रेन को भी सेटिस्फाई नहीं कर सकते। आई बटन में मैंने एक पोल दे रखा है, वहां पर आप क्लिक कर मुझे बताइए कि आप कौन सी स्टेज पर हो। और अगर आपको जानना है कि मैं कौन सी स्टेज पर हूं, तो मुझे फॉलो करो इंस्टाग्राम पर। बातें काम की लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करना, और इसे अपने सारे महानुभव दोस्तों के साथ शेयर करना जिन्हें आप चाहते हो कि ये बातें पता होनी चाहिए। और क्या आपको पता है कि ये बुक ऐप पर एक्टिवेट योर ब्रेन की काफी डिटेल्ड समरी अवेलेबल है, तो जाइए और पढ़िए। यू गाइस आर अमेजिंग। कीप रीडिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।